2 नवंबर बुधवार के दिन भारत बनाम बांग्लादेश के बीच टी20 विश्व कप का बड़ा मुकाबला खेला गया। आपको बता दें, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 5 रनों से हराते हुए टी20 विश्व कप में लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन लगाए। वहीं दूसरी पारी में बांग्लादेश की बल्लेबाजी के दौरान बारिश पड़ी, ये खेल 16 ओवर का हो गया। बांग्लादेश को 151 रनों का लक्ष्य मिला और इसी के साथ टीम इंडिया ने ये मैच 5 रनों से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया यूं तो अब पूरी तरह से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। अगर जिम्बाब्वे भारत को मुकाबले में हरा देती है तो फिर मामला पेचीदा हो जाएगा, लेकिन ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत ये मुकाबला जीत जाएगा, सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल आ जाता है कि भारतीय टीम तो सेमीफाइनल में जा रही है, लेकिन भारत के साथ वो दूसरी कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल में जगह पक्की करेगी। हो ना हो, ग्रुप 2 से भारत और दक्षिण अफ्रीका वो दो टीम रहेगी जो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि क्या भारत के साथ पाकिस्तान वो टीम हो सकती है जो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेगी। हर कोई चाहता है कि भारत पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला हो और भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप विजेता एक बार फिर से बने। लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान दोनों ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में जा सकती है? चलिए जानते हैं क्या कहता है गणित। भारत को अपना अगला मुकाबला 6 नवंबर को जिम्बाब्वे से खेलना है। ऐसे में अगर टीम इंडिया ने यह मैच जीत लिया तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच अगला मुकाबला 3 नवंबर को है। अगर ये मुकाबला पाकिस्तान ने जीता तो सेमीफाइनल के लिए वो एक कदम आगे बढ़ा लेगी। लेकिन अब बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि पाकिस्तान का जहाँ अगला मुकाबला बांग्लादेश से है, वहीं दक्षिण अफ्रीका का अगला मुकाबला नीदरलैंड से है। नीदरलैंड कमजोर टीम है, ऐसे में दक्षिण अफ्रीका की जीत पूरी तरह से पक्की नजर आती है। वहीं पाकिस्तान को बांग्लादेश टक्कर दे सकती है। अगर यूं तो पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका ने हरा दिया और बांग्लादेश पाकिस्तान से हार गया तो भारतीय टीम आसानी से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। लेकिन अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में अपनी जगह कैसे बना सकती है ये भी जान लेते हैं। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश दोनों से मैच जीतने होंगे, लेकिन दोनों से ही पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से मुकाबले जीतने होंगे। वहीं पाकिस्तान को ये दुआ करनी होगी कि नीदरलैंड की टीम, जो कि बहुत ही कमजोर टीम नजर आती है, वो दक्षिण अफ्रीका को हरा दे या फिर बारिश की वजह से दोनों का मुकाबला धुल जाए। दक्षिण अफ्रीका अगर पाकिस्तान नीदरलैंड दोनों से हार गई और पाकिस्तान की टीम अपने अंतिम दोनों मुकाबले जीत गई तो भारत पाकिस्तान एक साथ सेमीफाइनल में चला जाएगा। वहीं अगर पाकिस्तान अपने दोनों मुकाबले जीत गई और दक्षिण अफ्रीका अपना एक मुकाबला हार कर भी अगला मैच जीत गई तो पाकिस्तान का पत्ता कट जाएगा। लेकिन अगर नीदरलैंड के साथ दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला धुल भी गया तब भी नेट रन रेट पाकिस्तान और सेमीफाइनल के आड़े आ जाएगा। पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट सुधारने के लिए आने वाले दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे, तभी भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में एक साथ क्वालिफाई कर सकता है। यानी कि इसे एक नाम दिया जाए तो भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना लगभग मिशन इम्पॉसिबल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।